हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे वो दूसरा लेक्चर अल्टरनेटर का, वैसे एंड करके फिर सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइम ना गंवाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है एन अल्टरनेटर ड्राइवेन ऑफ फ्रांसिस हाइड्रोलिक टर्बाइन। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि जहाँ फ्रांसिस हाइड्रोलिक टर्बाइन मतलब हाइड्रोलिक में कैसा स्पीड ऑपरेशन होना चाहिए अल्टरनेटर का, लो एंड मीडियम, ठीक है, लो एंड मीडियम स्पीड ऑपरेशन होता है हाइड्रोलिक में। थर्मल में हाई स्पीड ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्टीम में भी हाई स्पीड ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो 97D, इफ़ टू अल्टरनेटर आर रनिंग इन प्रॉपर सिंक्रोनिज्म एंड द वोल्टेज वन मशीन सडनली इंक्रीज। देखिए दो अल्टरनेटर पैरेलल में रन कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो है सिंक्रोनिज्म मतलब अच्छे से सिंक्रोनस स्पीड पे चल रहे हैं, ओके। अब सिंक्रोनिज्म चल रहे हैं, अब एक का जो है सडनली इंक्रीज हो गया, एक मशीन का जो वोल्टेज सडनली इंक्रीज हो गया, क्या होगा, सिंक्रोनिज्म उसका जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, सिंक्रोनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो सिंक्रोनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो वहाँ पे एक टॉर्क डेवलप होता है, उसे बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, ठीक है। वो तब तक डेवलप रहेगा जब तक कि ये दोबारा सिंक्रोनिज्म ना पकड़ ले, ठीक है ना। जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है तब सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, और ये तब तक रहता है जब तक कि सिंक्रोनिज्म दोबारा प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क विल बी प्रोड्यूस रिस्टोर द फर्दर सिंक्रोनिज्म। आंसर ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट से क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाई, देखिए पावर फैक्टर हमेशा लोड से ही डिटरमाइंड किया जाता है। टू अल्टरनेटर आर, देखिए इस पर टिक मैंने नहीं किया है, ठीक है। जो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन पे पहले से टिक करके मत रखिए, तो मैं इस पर टिक नहीं किया हूँ डियर। जहाँ से PDF डाउनलोडेड है वो साइट पे ही चढ़ाया गया था टिक करके, ठीक है, ये पहले से टिक नहीं है। टू अल्टरनेटर आर टू बी पुट इन पैरेलल, ठीक है, दो अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी आइडेंटिकल फॉर बोथ, देखिए पैरेलल में रन करने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए, फेज सिक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, KVA रेटिंग सेम हो चाहे ना हो। इफ द स्टीम सप्लाई ऑफ एन अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल विद अनदर आइडेंटिकल अल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स एक्साइटेशन कांस्टेंट, देन क्वेश्चन बोल रहा है कि दो अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, इसमें से एक का स्टीम सप्लाई बढ़ा दें और एक्साइटेशन कांस्टेंट रखें, तब क्या होगा, इट विल सप्लाई ग्रेटर पोर्शन ऑफ द लोड, ठीक है। एक्साइटर ऑफ जनरेटर इज ए संट जनरेटर को एक्साइटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, एक्साइटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, संट जनरेटर का, ठीक है, किसका किया जाता है, संट जनरेटर का। टू अल्टरनेटर वन एंड टू आर शेयरिंग एन इंडक्टिव लोड यूज इक्वली, ठीक, इफ एक्साइटेशन ऑफ अल्टरनेटर वन इज इंक्रीज, अब जिसका एक्साइटेशन आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, बोलो कि दो अल्टरनेटर है दोनों इंडक्टिव लोड इक्वली शेयर कर रहे हैं, एक का एक्साइटेशन बढ़ा दिया गया, तो जिसका एक्साइटेशन बढ़ा दिया गया वह ज़्यादा करंट डिलीवर करेगा, याद रखिएगा, तो ज़्यादा डिलीवर करंट कौन करेगा, वन, इसका एक्साइटेशन बढ़ा दिया गया है तो एक्साइटेशन बढ़ाने का मतलब पावर फैक्टर कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगी, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वन इज इंक्रीज मतलब एक ज़्यादा करंट डिलीवर करेगा, तो अल्टरनेटर टू विल डिलीवर लेस करंट इज वन, ठीक है, डिलीवर मोर करंट। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉयल्स इन एन अल्टरनेटर विल हैव EMF क्लोजर टू साइन वेव फॉर्म, ठीक है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉयल्स, ओके, तो क्लोजर टू साइन वेव फॉर्म का मतलब कि हार्मोनिक्स जो है कम हो, ठीक है, साइन वेव फॉर्म के रूप में अगर बन जा रहा है तो उसका जो हार्मोनिक्स कम है, हार्मोनिक्स रहता तब डिस्टर्ब होता है आपका ग्राफ, ठीक है। क्लोजर टू साइन वेव फॉर्म का मतलब
अब हारमोनिक्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं बताइए? हारमोनिक्स को कम करने के लिए हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इन शॉर्ट पिच कॉयल। यहाँ पे हम लिखता है के सी इक्वल टू कॉस अल्फा बाई टू, इसमें न्यूमेरिकल भी था पीछे हमने करवाया है। द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मीन्स के डी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग किस लिए किया जाती है? ये की जाती है हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए। इन एन अल्टरनेटर डिटरमाइन द रेशियो ईएमएफ, तो कैसा है होता है, के डी इज इक्वल टू होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ईएमएफ टू कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ईएमएफ। ओके, एज लोड पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर बिकम्स मोर लीडिंग, ठीक है, लोड पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर बिकम्स मोर लीडिंग द वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। तो आपका जो लोड पावर फैक्टर है मोर लीडिंग है, ठीक, द वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर आपका मोर लीडिंग है तो अगर जनरेटेड वोल्टेज थोड़ा कम भी होना तब भी जो है टर्मिनल वोल्टेज पर रेटेड वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है। इन एन अल्टरनेटर द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द आर्मेचर एमएमएफ सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मेन फ्लक्स फॉर द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द लोड, ठीक। तो क्या होता है, अल्टरनेटर में इन्होंने बोला है कि आर्मेचर एमएमएफ सब्ट्रैक्ट द डायरेक्टली फ्रॉम द मेन फ्लक्स। अगर मेन फ्लक्स फाई है, इसको रिड्यूस कर रहे हो तो क्या होगा, वो आपका डीमैग्नेटाइजिंग होगा। डीमैग्नेटाइजिंग का मतलब लैगिंग होगा, तो जीरो पावर फैक्टर विद लैगिंग, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन में कौन सा भाव होगा, डीमैग्नेटाइजिंग। अगर मेन फ्लक्स को इंक्रीज करवाता तो मैग्नेटाइजिंग, अगर डिस्टॉर्ट करता तो डिस्टॉर्टन होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ओके, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड फाइंडिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक मेथड। क्यों पेसिमिस्टिक बोला जाता है, क्योंकि इसमें मोर वोल्टेज रेगुलेशन आता है, इसीलिए इसको बोलता है पेसिमिस्टिक। और इसके बाद एक मेथड होता है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, इसमें इससे थोड़ा सा कम आता है, मतलब लेस वोल्टेज रेगुलेशन आता है। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, वो होता है जीरो पावर फैक्टर मेथड, नहीं जीरो पावर फैक्टर, इसे बोलते हैं पोर्टियर मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोर्टियर मेथड, सबसे बेस्ट मेथड होता है ये, इसे बोलते हैं जीरो पावर फैक्टर मेथड या पोर्टियर मेथड। इसमें बेरी लेस, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त करने का, ठीक है। तो इट गिव्स वैल्यू हायर देन एक्चुअल फाउंड टू बी डायरेक्ट लोडिंग। ओके, इसमें जो रेगुलेशन की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है। टू अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल इफ द फील्ड ऑफ वन अल्टरनेटर इज एडजस्टेड, तो फील्ड को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो जब दो अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें से एक का फील्ड अल्टरनेटर का एक्साइटेशन को हम चेंज करते हैं, तो पावर फैक्टर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इन ए सिंक्रोनस मशीन इफ द फील्ड फ्लक्स एक्सिस इज अहेड ऑफ द आर्मेचर फील्ड एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन द मशीन इज वर्किंग एज, अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मशीन इज वर्किंग एज कैसे, सिंक्रोनस, इफ सिंक्रोनस मशीन इफ द फील्ड ऑफ फ्लक्स एक्सिस अहेड, देखिए क्या बोल रहा है, ये कंडीशन बोल रहा है, ये आपका फील्ड फ्लक्स जो है आगे है, ठीक है ना, आर्मेचर फील्ड के आगे है फील्ड फ्लक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर बोलेंगे। द एडवांटेज ऑफ साइलेंट पोल इन ए अल्टरनेटर, साइलेंट पोल का मतलब होता है कि इसमें दो से ज़्यादा पोल का हम पोल मिल जाते हैं, बना सकते हैं, तो इसलिए ये लो एंड मीडियम स्पीड ऑपरेशन के लिए किया जाता है, और नॉन साइलेंट पोल कहाँ पे हाई स्पीड के लिए किया जाता है, जिसे हम सिलेंड्रिकल रोटर भी कहते हैं, ठीक है। फॉर पैरल ऑपरेशन ऑफ द टू अल्टरनेटर, पैरल ऑपरेशन ऑफ द टू अल्टरनेटर डिजायरेबल फीचर इज दैट बोथ शुड हैव, ठीक है, फॉर पैरल ऑपरेशन ऑफ द टू अल्टरनेटर डिजायरेबल फीचर इज दैट बोथ लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है, क्या होगा, लेस ऑफ रेजिस्टेंस कंपेयर टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इफ टू अल्टरनेटर आर रनिंग इन पैरेलल,
एंड द एक्साइटेशन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटर इज इंक्रीज। देखिए दो अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, एक का एक्साइटेशन बढ़ा दिया गया। अब जिसका एक्साइटेशन आप बढ़ाओगे उसका वाटलेस कंपोनेंट्स चेंज हो जाएगा। वाटलेस कंपोनेंट का मतलब होता है के वी ए एंड के बी ए आर, जिसमें कॉस फाई नहीं होता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कॉस फाई इक्वल टू यही होता है इन दोनों को, तो क्या होगा, वाटलेस कंपोनेंट विल बी चेंज व्हेन एन अल्टरनेटर इज सप्लाइंग यूनिटी पावर फैक्टर। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर लोड पे जो आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसका मतलब डिस्टॉर्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है यूनिटी पावर फैक्टर पे। क्या हो जाएगा आंसर, डिस्टॉर्शन ऑफ द मेन फील्ड। ओके, डिस्टॉर्शन ऑफ द मेन फील्ड। इफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ ऑफ द अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल इज चेंज, दिस विल रिजल्ट इन चेंज। देखिए ड्राइविंग फोर्स ऑफ बोथ द अल्टरनेटर रनिंग इन पैरेलल, दो अल्टरनेटर पैरेलल में रन कर रहे हैं, अब ड्राइविंग फोर्स चेंज कर दिया है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि एन इक्वल टू होता है 120 एफ बाई पी, एन प्रोपोर्शनल टू द एफ होता है, स्पीड चेंज तो फ्रीक्वेंसी चेंज। इन एन अल्टरनेटर व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी, फिर वही बात, लोड पावर फैक्टर यूनिटी मतलब डिस्टॉर्शन होगा मेन फ्लक्स में, तो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग वही डिस्टॉर्ट करता है, डीमैग्नेटाइजिंग घटाता है। द पोर्टेड ट्रायंगल सेपरेट आर आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन एमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ओके, इन एन अल्टरनेटर, वो सीधे सीधे पोर्टियर ट्रायंगल मेथड की बात किया है। इन एन अल्टरनेटर जीरो पावर फैक्टर मेथड पे क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड किया जाता है। इसे एक, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, पोर्टियर मेथड, ठीक है, पोर्टियर। इफ द ड्राइविंग पावर फ्रॉम द प्राइम मूवर ड्राइविंग एन अल्टरनेटर इज लॉस्ट बट द अल्टरनेटर रिमेंस कनेक्टेड टू द सप्लाई नेटवर्क एंड फील्ड सप्लाई इज ऑन देन द अल्टरनेटर विल। देखिए बोल रहा है कि ये आपका, ये अल्टरनेटर आपका, ठीक है, ये आपका प्राइम मूवर है, यहाँ से घुमाया जाता है अल्टरनेटर, यहाँ से क्या करता है, थ्री फेज सप्लाई देता है, ठीक, थ्री फेज सप्लाई देता है। अब बोल रहा है ये ड्राइविंग फोर्स लॉस्ट हो गया, मतलब ये डिस्कनेक्ट हो गया, इसको कोई घुमाने वाला तो बचा नहीं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसी डायरेक्शन में घूमता रहेगा इसका आर्मेचर, तो यहाँ से करंट सप्लाई से जुड़ा ही हुआ है, बोला है कि रिमेंस कनेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ से करंट ये लेना स्टार्ट कर देता है, तो ये इसी डायरेक्शन में घूमेगा और सिंक्रोनस मोटर की तरह से काम करेगा, ठीक है, तो बिहेव्स अ सिंक्रोनस मोटर एंड विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। और इसको रोकने के लिए हम लोग रिवर्स पावर रिले का इस्तेमाल करते हैं, कैसा ये काम ना करें, ठीक है, वो आगे वो क्वेश्चन आएगा। इन टर्बो अल्टरनेटर स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर यूज्ड हैव लॉन्ग एक्सियल लेंथ बिकॉज, जैसे टर्बो अल्टरनेटर में एक्सियल लेंथ ज़्यादा होती है और डायमीटर कम होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर बीइंग लेस देन द हाई स्पीड ऑपरेट किया जाता है, इसको जो ऑपरेशन टर्बो अल्टरनेटर का हाई स्पीड ऑपरेशन है, ठीक, दूसरा पॉइंट, और दे हैव टू बी लॉन्ग टू बी जनरेटिंग द रिक्वायर्ड वोल्टेज, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बीइंग लेस दे हैव टू नेसेसरली लॉन्ग जनरेटिंग रिक्वायर्ड वोल्टेज। लार्ज डायमीटर साइलेंट पोल रोटर, लार्ज डायमीटर का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हेल्ड इन द लार्ज सर्कमफ्रेंस रोटर बीइंग वेरी लार्ज देन इट टू बी नो लॉन्ग या नॉट लॉन्ग, ठीक है, तो इसमें क्या कि लार्ज डायमीटर का मतलब हो गया और एक शॉर्ट एक्सियल लेंथ है, इसका मतलब ये साइलेंट पोल की बात हो रही है, ठीक। एट लीडिंग पावर फैक्टर द आर्मेचर फ्लक्स इन एन अल्टरनेटर, देखिए लीडिंग पावर फैक्टर में जो आर्मेचर फ्लक्स है मेन फ्लक्स को, ये मेन फ्लक्स है, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है मैग्नेटाइजिंग, इसे बोलता है एड्स द रोटर फ्लक्स, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। देखिए अल्टरनेटर में तीन टाइप का आर्मेचर रिएक्शन होता है और जो जनरेटर वगैरह में दो टाइप का, जनरेटर में मैग्नेटाइजिंग होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, और डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग, ठीक। थ्री फेज अल्टरनेटर इनवेरिएबली इन स्टार कनेक्टेड,
ओके, थ्री फेज अल्टरनेटर आर इनवेरिएबली स्टार कनेक्टेड बिकॉज, क्या होगा, टर्मिनल ज़्यादा टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ऐसा हो, इसलिए हो क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या इसमें लिखेंगे, थ्री फेज अल्टरनेटर आर इनवेरिएबली ऑब्टेन बिकॉज स्टार कनेक्टेड बिकॉज हायर टर्मिनल वोल्टेज इज ऑब्टेन, ठीक, हायर टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट हैव टू बी मेट बाय अल्टरनेटर वर्किंग इन पैरेलल, मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन इन चारों में से है जो पैरेलल में रन करने के लिए जरूरी नहीं है, मैच नहीं कर रही है, ठीक है। अल्टरनेटर मस्ट बी ऑपरेट द सेम फ्रीक्वेंसी, एकदम सही, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, केवीए रेटिंग सेम होना जरूरी नहीं है, तो आंसर डी, ई मैच नहीं कर रहा है, ओके। द फिक्स्ड पार्ट ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस टेक्स केयर आर्मेचर रिएक्शन, इन एन अल्टरनेटर द वोल्टेज ऑफ द फील्ड सिस्टम इज यूजली, तो कम होता है, अल्टरनेटर में जो वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है वो कम होता है, और वो 200 वोल्टेज से ही कम होता है, ओके, लेस देन 200 वोल्टेज, क्या हो जाएगा, लेस देन 200 वोल्टेज। इन एन अल्टरनेटर पिच फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ, ठीक है, इन एन अल्टरनेटर पिच फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ, क्या होगा पिच फैक्टर, शॉर्ट पिच कॉयल अपान में फुल पिच कॉयल, शॉर्ट पिच कॉयल अपान में फुल पिच कॉयल। इन एन अल्टरनेटर फील्ड द इफेक्ट ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इज टू मेक द आउटपुट, ठीक, तो क्या होगा, अल्टरनेटर फील्ड में जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इज मेक टू आउटपुट नॉन साइनसॉइडल, देखिए इसमें कोई टिक कर रखा है, वो जो मैंने बताया कि डाउनलोडेड टिक है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण डिस्टॉर्टेड फ्लक्स आते हैं जिसमें आउटपुट में हमको नॉन साइनसॉइडल प्राप्त होता है, कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण फ्लक्स क्या होता है, डिस्टॉर्ट होता है, और जिससे आउटपुट में साइनसॉइडल के बजाय नॉन साइनसॉइडल प्राप्त होता है। व्हेन टू अल्टरनेटर रनिंग इन एग्जैक्ट सिंक्रोनिज्म देन सिंक्रोनाइजिंग पावर विल बी, अगर वो सिंक्रोनिज्म पे चल रहा है तब कोई सिंक्रोनाइजिंग पावर और टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है, टॉर्क विल बी जीरो, जैसे ही सिंक्रोनाइजिंग डिस्टर्ब हुआ सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क डेवलप होगा और तब तक डेवलप रहेगा जब तक इनको सिंक्रोनिज्म प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। इन एन अल्टरनेटर इफ द आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूसेस डी मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मेन फील्ड द पावर फैक्टर शुड बी, डी मैग्नेटाइजेशन में जीरो लैगिंग होता है, ठीक है। इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर रिएक्शन इन्फ्लुएंसेस जनरेटेड वोल्टेज पर फेज, आर्मेचर रिएक्शन इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज पर फेज। इन एन अल्टरनेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड डिपेंड्स ऑन, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी आपकी, दोनों पे डिपेंड करेगी क्योंकि एन एस इक्वल टू होता है 120 एफ वाई में पी, अब यहाँ से एफ की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा एन पी वाई में 120, तो दोनों डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। इन एन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज फॉर द सेम पावर रेटिंग विल बी, देखिए लो वोल्टेज और सेम पावर रेटिंग तो लार्जर साइज होना चाहिए लो वोल्टेज चलाने के लिए, करंट ज़्यादा वही लगेगा। व्हेन टू अल्टरनेटर आर रनिंग इन पैरेलल देयर केवीआर लोड शेयर एंड किलोवाट, ठीक है, पैरेलल में है और ये दोनों लोड शेयर कर रहे हैं, लोड शेयर चेंज वाइज द चेंजिंग, तो जो केवीआर है एंड किलोवाट है इसको चेंज करना है, तो क्या चेंज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लोड शेयर आर चेंज बाय चेंजिंग देयर एक्साइटेशन, ठीक है, अगर आप केवीआर को चेंज करो करना चाहते हो तो एक्साइटेशन चेंज करो, किलोवाट को चेंज करना तो ड्राइविंग टॉर्क चेंज करो, ठीक है। ए लोअर वोल्टेज अल्टरनेटर फॉर द सेम पावर रेटिंग, फिर वही बात लार्जर इन साइज रिपीटेड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मूवर इज द लीस्ट एफिशियंट, स्टीम इंजन सबसे लीस्ट एफिशियंट होता है। वन ऑफ द सुपर थर्मल पावर स्टेशन बींग लोकेटेड एट फरक्खा बैरेज सुपर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इफ द
वोल्टेज ऑफ वन ऑफ द टू मशीन रनिंग इन सिंक्रोनिज्म इज सडनली इंक्रीज। देखो सिंक्रोनिज्म जैसे ही ख़त्म होता है सिंक्रोनिज्म टार्क विल प्रोड्यूस, और जब तक सिंक्रोनिज्म टार्क रहेगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जब तक ये दोबारा ये सिंक्रोनिज्म प्राप्त ना कर ले। तो आंसर बी, इन लार्ज जनरेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट से क्या करना, प्रोटेक्शन प्राप्त करना है ना, तो इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन ए बी सी सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन बेस्ड टू ऑल ऑफ द अबव। इन एन अल्टरनेटर वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाइंडिंग इज टू। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल और शॉर्ट पिच वाइंडिंग का इस्तेमाल, कॉयल का इस्तेमाल हम लोग हारमोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए करते हो। तो यहाँ पे ए और डी दोनों होना चाहिए, ए एंड डी, बेस्ट लेकिन इम्प्रूव वोल्टेज वेव फॉर्म है, ठीक है। प्लेस क्या, गवर्नर प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल स्पीड प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर। ओवर स्पीड प्रोटेक्शन के लिए हम लोग गवर्नर का इस्तेमाल करते हैं जनरेटर में, एसी जनरेटर में, ओके, इसे नियंत्रक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम। देखिए 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में जो कॉमन स्पीड आती है वो 600 आरपीएम आती है, ठीक है। साइलेंट पोल टाइप नियरली में आती है, साइलेंट पोल टाइप रोटर एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल पोल टाइप। देखिए साइलेंट पोल टाइप का डायमीटर ज़्यादा होता है, एक्सियल लेंथ कम होती है, ठीक, और सिलेंड्रिकल का होता है डायमीटर कम और एक्सियल लेंथ ज़्यादा होती है। साइलेंट पोल का पूछा है तो लार्जर इन डायमीटर स्मॉलर इन एक्सियल लेंथ, इसीलिए सिलेंड्रिकल को हम लोग हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और साइलेंट को लो एंड मीडियम स्पीड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले कम इनटू ऑपरेशन इन द इवेंट ऑफ द फेलोर ऑफ प्राइम मूवर कनेक्टेड टू द जनरेटर। फिर वही बात आई, देखिए जैसे यहाँ पे ये आपका अल्टरनेटर था, ठीक, यहाँ से प्राइम मूवर से इसको घुमाया जा रहा था और ये सप्लाई दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से इसको ये डिसकनेक्ट हो गया, फेल हो गया, तो अल्टरनेटर क्या करता था, यहाँ से करंट लेना स्टार्ट करता था, इसी डायरेक्शन में घूमता था और सिंक्रोनस मोटर की तरह व्यवहार करता था। ऐसा ये ना करे, ये करंट यहाँ ना जा पाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिवर्स पावर रिले, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स इन द ईएमएफ जनरेटर क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग करेंगे, चैम्फरिंग भी करते हैं, चैम्फरिंग का मतलब समझिए आप लोग ऐसे, ठीक, चैम्फरिंग का मतलब, ठीक है, स्लॉट स्क्यू करेंगे, तिरछा रखेंगे, ऑल ऑफ द अबव। द परमिशन ड्यूरेशन फॉर विच ऑफ द जनरेटर रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कैन रन एट। देखिए हम लोग जो भी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 1 सेकंड के लिए लिखते हैं, ठीक। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन एयरक्राफ्ट अल्टरनेटर हाई फ्रीक्वेंसी के, एयरक्राफ्ट में 400 हर्ट्ज का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग, अभी बोल रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल इसलिए हम लोग करते हैं ताकि साइज कम हो जाए, वजन कम हो जाए, ठीक है, साइज भी कम हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है हमारा, इसलिए हम लोग एयरक्राफ्ट में हाई फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि भाई एयर को हवा मोड़ना है और जितनी कम साइज जितनी कम वजन रहे उतना अच्छा काम करे, वही बेस्ट हमारे लिए, ठीक है। तो टू रिड्यूस द बल्क, 147 का जो आंसर होगा आपका ये होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अल्टरनेटर पूरी तरीके से हमारा होता है एंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करेंगे, ठीक, फिर इसके बाद कन्वर्टर एंड रेक्टिफायर 16 नंबर का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।